हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन आइडल के आज हम परफॉर्मेंस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं पवनदीप तेरी मिट्टी तो देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। हमने इनके काफी सॉन्ग्स के ऊपर जो इनकी परफॉर्मेंस है इंडियन आइडल की या सीक्रेट सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के अंदर भी हमने देखा है तो मैंने ना सुपरस्टार को सीक्रेट कर दिया था लेकिन वो एक फिल्म भी थी लेकिन ये और है सुपरस्टार सिंगर तो करते हैं ये परफॉर्मेंस के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट। लेकिन सीन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं। सो लेट्स प्ले। ये इंडिया आइडल का म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी टाइम से ये आइकॉनिक। जी तो सर, जैसा कि आपने कहा कि आपको पवनदीप की सिंगिंग और आवाज बहुत पसंद है तो आप कोई गाना सुनना चाहेंगे इनसे? If he can sing that one, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ। अरे वाह, क्या बात है। Thank you sir, बहुत मजा आएगा सुनने में। चलिए पवनदीप के लिए जोरदार ताली हो जाए। इसको फिर याद ही होना चाहिए वो सॉन्ग कोई भी डिमांड है अगर गाना चाहता है। तलवारों पे सर अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। पहले थोड़ा डाउन और मोटी आवाज को पतला किया उससे पहले वो और क्या कुमार की सिंगिंग है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी टर्निंग अवे फ्रॉम इंडिया और सब बड़ी बात है सबसे ब्यूटीफुल ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। अरे वो अंतर तो गवाओ ना गुड डिमांड तेरी आंख से दरिया क्यों बहता है हो जाए मैया मेरी सर तो बहुत डिमांड्स कर रहे हैं उससे कंटेस्टेंट वो भी आगे हो रहा था ना तैयार है। क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। So emotional. मत में मैं कितना नसीबों वाला था
मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या जिसमें औरत है बस जन्नत ही जन्नत है। Dream girl.
ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल शायर की गजल ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल यार पवनदीप ने तो कमाल कर दिया। अच्छा लास्ट जो टू सॉन्ग्स थे ना वो हेमा जी मेरे ख्याल से उनको ट्रिब्यूट के लिए उन्हीं के लिए उन्हीं के सॉन्ग्स दिए गए थे उनको चूज किया गया था लेकिन जो स्टार्टिंग में तेरी मिट्टी बहुत मुश्किल सॉन्ग और बहुत और मजे की बात है वो सॉन्ग विदाउट प्रिपरेशन अचानक से एक रिक्वेस्ट पे मुझे गेस्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर के चले आप गए जब गा लिया उसके बाद कहते हैं नहीं आगे वाला भी तो गा है क्योंकि वो मजा आ रहा था ना यार क्या कपूर मतलब उस तरह ना कितने मुश्किल सुर थे वो लगाना कभी ऊपर जाना कभी नीचे आना कभी मोटी आवाज पतली आवाज मतलब वी कांट इमेजिन कि किस तरह से वो सॉन्ग मेमोराइज करने के बाद अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और यार क्या कमाल है और उसके बाद लास्ट वाला सॉन्ग बहुत रोमांटिक था उससे पहले मतलब बाद में रोमांटिक और सॉफ्ट पे आ गए थे लेकिन जो स्टार्टिंग में था ना वो थोड़ा मोटिवेशनल भी था और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक है ना आपकी अपनी ज़मीन और आपकी अपनी मिट्टी और आपको अपने अपना कल्चरल से रिप्रेजेंट किया गया आपको मोस्टली क्योंकि अक्सर हम देखते हैं वो आर्मी के उसके ऊपर भी लगाया जाता है जो लोग अपनी कंट्री के लिए सर्व करते हैं तो वी इन्जॉयड द होल वीडियो की चाहे कोई भी सॉन्ग हो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है बहुत अच्छे तरीके से गाया क्या टैलेंट तो फिर है ना यार टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है बहुत मजा आया आई होप आप लोगों को भी मजा आया आपने भी इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करना है इस वीडियो को भी आपने करना है शेयर रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब गुड लक